हेलो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया है कल, क्वेश्चन जो आपको जो एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया था अभी, उसी का ये आप पार्ट है, क्योंकि ये आपका दूसरा वीडियो, क्योंकि उसमें पूरा नहीं आता था, इसलिए मैंने ये उसी का आधा क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में, तो मैं दो वीडियो डाला इसीलिए, एक वीडियो हाफ पार्ट क्वेश्चन का, दूसरा हाफ पार्ट, तो दूसरा पार्ट बच्चों ये बनेगा, ये वह करेक्टर स्केच ऑफ राइटर्स ग्रैंड मदर या आथर्स ग्रैंड मदर, उसी का हाफ पार्ट है बच्चों के। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है, सी लव्ड हर ग्रैंडसन मच, वो अपने नाती को बहुत प्यार करती थी, सी वेक मी अप एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक सुबह उसे उठाती थी, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट कर उसके लिए नाश्ता बनाती थी, सी मेड इन बाथ, वो उसे नहलाती थी एंड वेंट विद हिम टू स्कूल, उसके साथ में स्कूल जाती थी, सी वॉज लाइक दिस फ्रेंड, वो उसके लिए मित्र के समान थी, ही वॉज हैप्पी, वो खुश था टू स्कूल, ही वॉज हैप्पी इन कंपनी, उनके साथ में वेंट बोथ शिफ्टेड इन द सिटी, जब दोनों लोग शहर में शिफ्ट हुए, वो उसकी ग्रैंड मदर सी डिड नॉट ब्रेक का रूटीन, उन्होंने अपना क्रिया करने का जो रूटीन था क्रिया थी उसको बदला नहीं, सी फेड द स्पैरोज, वो पक्षियों को खिलाती थी, द स्पैरोज लव्ड हर मच, जो पक्षी तो उन्हें बहुत प्यार करते थे, सी यूज्ड टू आस्क द राइटर व्हाट वाज स्टार्ट इन दिस न्यू स्कूल, वो लेखक से पूछती थी कि उसके नए स्कूल में क्या पढ़ाया जाए, व्हेन द राइटर वाज गोइंग अब्रॉड, जब लेखक वहाँ जा रहा था फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए, सी वॉज कूल एंड काम, वो काफ़ी शांत थी, सी वेंट टू द स्टेशन टू सी मॉम, उसके साथ में स्टेशन गई उसे विदा करने के लिए, सी डाइड आफ्टर द रिटर्निंग ऑफ द आर्थर फ्रॉम अब्रॉड, उनकी मृत्यु लेखक के विदेश से आने के बाद ही, दस वी कैन से दैट सी वॉज इन नेगेटिव, इस प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक आदर्श महिला थी। तो बच्चों, इस प्रकार से ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो दो वीडियो मैं एक ही दिन में सेंड करूंगा, ये आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। थैंक्स फॉर टू टेकिंग।